अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, सोफियाज कुक हाउस में आप सभी का वेलकम। मैं आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब, और बहुत ही आसान तरीका है, तो चलें देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। ये मेरे पास 700 ग्राम है चिकन का कीमा, तो ये बारीक है, अगर आपके पास बारीक नहीं है तो उसको भी हम बताएंगे क्या करना है। तो ये मेरे पास है कुछ मसाले, जिसमें ये चाट मसाला है, 1 टेस्पून चाट मसाला, 1 टेस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और ये जो है मेरा मसाला जो चैनल पे पड़ा हुआ है इसका लिंक हम दे देंगे, खुशबू मसाला, ये है 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और हमने बारीक काट करके हरा धनिया 1/2 कप रख लिया है ये, और मेरे पास ये है 1 टेबल स्पून दही, लेकिन बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसमें। 2 से 3 टेबल स्पून हम ले लेंगे बेसन, ये मेरे पास भुने हुए चने थे उसका हमने पाउडर बना लिया, अगर आप बेसन डाल लें तो हल्का सा रोस्ट कर लें। और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे मोजरेला चीज, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप इसके जगह पे 1 टीस्पून घी डाल दें इसके अंदर। और ये हमने 2 लार्ज प्याज को हमने फ्राई करके रख लिया है, तो इस तरीके के क्रिस्पी होनी चाहिए, अगर आपको हाथ से मिलाना है तो क्रिस्पी होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको चॉपर में डाल करके कीमे के साथ पीस लेना है। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे प्याज, प्याज को देख लेते हैं, ये देखिए मेरी प्याज बिल्कुल अच्छे से क्रश हो जा रही है, तो ताकि खूब अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए इसका। अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले। अच्छा, आपके पास अगर रेडीमेड मसाला है कबाब का तो वो भी आप डाल सकते हैं चाट मसाले की जगह पर, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और जल्दी बन जाएगा। और इसमें सारे मसाले हम ऐड कर देंगे, मोज़रेला चीज़, हरा धनिया, और इसमें हाँ 1/2 लेमन, और ये सॉल्ट जो है, अगर आप रेडीमेड कबाब मसाला डाल रहे हैं तो सॉल्ट बहुत देख के डालिएगा, इसलिए कि उसमें पहले से नमक होता है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, नमक, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, मिक्स करके सॉल्ट चेक करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लेमन, 1/2 लेमन, अब इसको मिला करके हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक रखेंगे, उसके बाद हम इसके लिए सीख तैयार करेंगे। तो देखें ये मैरिनेट हो गया है, और अब इसको हम दिखाते हैं कि कैसे करना है आपको। देखें हमने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन जो प्याज का ऑयल है वो दिख रहा है इसमें। अच्छा, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए कोयले का आप इस टाइम इसमें धुआं भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने के बाद मेरे पास एक स्टिक थी, इस पे हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है, आपके पास अगर सीख है लोहे की तो वो कर लें, वरना किसी चीज से भी इस तरीके से कर लें। कबाब का शेप पूरा आ गया, अब इसको हम आराम से निकालेंगे तरीके से, और फिर अगर वो शेप खराब हो जा रहा तो आप प्लेट में निकालने के बाद हाथ से कर लें थोड़ा सा, इसी तरीके से सारे कबाब बना लें और कबाब फ्राई भी करें, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपका कबाब टूटने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दें। तो चलें इसको फ्राई करते हैं, और कबाब को एक एक शेप थोड़ा हल्का हल्का सा दे देंगे ऐसे। मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे इस टाइम। अब इसको चारों तरफ से हम सेक लेंगे बराबर से, और फिर इसी तरीके से सारे कबाब सेक लेंगे, और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी सा कबाब बन करके तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और बताइए कि आपको कैसी लगी, और अपनी अगली फरमाइश मेरे कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं सोफियाज कुक हाउस में एक नई सी मज़ेदार डिश के साथ। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।